बलरामपुर में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए दो थानों की पुलिस ने जिला मुख्यालय के बाजारों के रूट मार्च किया। और आपको बता दें कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि रमजान के माह आते ही सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही है, लोग बेवजह घर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं और गैर जरूरी दुकानों को भी खोला जा रहा है, जिस पर सीओसीटी राधारमण सिंह के नेतृत्व में कोतवाली नगर से निकलकर मुख्य बाजारों सहित गली और मोहल्लों में पुलिस बल के साथ निकलकर लोगों को घरों के अंदर रहने की सख्त चेतावनी दी गई है। इस दौरान पुलिस ने जिले भर में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 110 वाहनों का चालान कर दिया गया और 4 वाहनों को सीज भी किया गया। हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे जनपद में लॉकडाउन का शत प्रतिशत अनुपालन कराना है, इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। उसी क्रम में आज हम कोतवाली नगर में पूरे तीनों थानों की फोर्स लेके रूट मार्च किया जा रहा है, ताकि जो लोग कुछ लोग जो बिना बात के घूम रहे हैं वो घरों में अपने रहें, बिना काम के ना घूमें, उनको समझाया जा रहा है। और साथ ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया जा रहा है और उनको ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क का प्रयोग करके निकल रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहा है, चूँकि पूरे धारा 144 पूरे जनपद में लागू है, तो उसके खिलाफ़ तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।